मेरा देश के तमाम जो युवा पीढ़ी है जो कि जॉब की अपेक्षा में है, सबको सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस प्लेटफॉर्म में मैं मनोज आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ। आज जैसे जो नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे नोटिफिकेशन नंबर आपका NE/1/2022 जो कि आपका हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का जो एक नोटिफिकेशन है, जो हिंदुस्तान उर्वरक जो रसायन लिमिटेड जो कि एक जॉइंट वेंचर है आपका IOCL, जैसे कि आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का NTPC, आपका कोल इंडिया लिमिटेड, आपका फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, ये इनका एक जॉइंट वेंचर है जो कि इन्हीं जो बड़े बड़े कंपनियों के साथ, ये भी जो हिंदुस्तान जो उर्वरक जो एंड रसायन लिमिटेड जो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इनके साथ मिलके काम करते हैं। तो जो हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की तरफ से हमारा तमाम जो भारत का जो अभ्यर्थी है जो कैंडिडेट्स है उनके लिए 390 वैकेंसीज, जो टेक्निकल वैकेंसीज 390 टेक्निकल वैकेंसीज का अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसमें बहुत अट्रैक्टिव सैलरीज है, उसके साथ साथ आपका PF फैसिलिटीज है, आपका ग्रेचुटी फैसिलिटीज वगैरह तमाम फैसिलिटी इस जो अपॉइंटमेंट्स आपका 390 जो है अलग अलग जो वेरियस टाइप जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, जो कि लेटर स्टेज में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका हिंदुस्तान उर्वरक रसायन जो लिमिटेड की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशन की मांग जो है किया गया है फॉर द 399 जो 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 पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है उसमें जो आवेदन करेंगे इंडियन नेशनल्स, उसमें बोथ मेल एंड फीमेल्स जो है इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस जो नोटिफिकेशन के अंदर जो जो पॉइंट्स मैं कवर करूँगा, जैसे इन डिटेल में मैं जैसे वो पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे, जैसे सबसे पहले तो आपका वैकेंसी, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जिसके अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपका रहेगा, एज लिमिट रहेगा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस क्या क्या चीज़ मांगा गया है। सेकेंड चीज़ जो कलेक्ट जो इसमें जो पॉइंट्स में रखूँगा उसका तमाम जो सिलेक्शन प्रोसेस, और थर्ड स्टेज में उसका एग्जाम पैटर्न, फोर्थ में आपका सैलरीज और जो एडिशनल जो इन एडिशनल बेनिफिट जो कंपनी की तरफ से जो क्या क्या है, ये तमाम जो पॉइंट्स को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक तो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा तमाम देश का जो तमाम युवा पीढ़ी है जो कि जॉब की अपेक्षा में है, जो कि ग्रेजुएशन कर रखे हैं या डिप्लोमा जो क्वालिफाइड्स जो कैंडिडेट्स है, उन तमाम बच्चों के लिए जो नोटिफिकेशन जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले तमाम जो अभ्यर्थी जो कैंडिडेट्स हैं जो उम्मीदवार हैं उनको मैं निवेदन है, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पहले से विजिट करते आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, आपका तभी आपको लेटेस्ट जो अपडेट वगैरह कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का जो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सेकेंड चीज़ कहना चाहूँगा, ये इस तरह की जो नोटिफिकेशन को आप लोग शेयर करते रहिए, अगर ये वीडियो आपको आप लोगों को पसंद आता है इसको जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, आपका जो फ्रेंड्स आपका रिलेटिव सर्कल में जो बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए। चलिए अभी इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना चाहेंगे जो आपका पोस्ट कौन जो टाइप ऑफ पोस्ट, उसका जो वैकेंसीज कितने हैं, उसका जो क्वालिफिकेशंस और आपका एक्सपीरियंस की क्या क्या आवश्यकता है। इसमें देखिए सबसे बड़ी जो जैसे आवेदन करते समय जो आपको ध्यान रखना है, आपका यहाँ पर एक VC कोड दिया हुआ है, VC कोड जो मतलब पोस्ट का कोड है, ठीक है, वो कोड को आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय पे आपको ध्यान देना होगा। और एक चीज़ जो बड़ी चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट्स सबसे बड़ा जो गलती करते हैं एलिजिबिलिटी को समझने में, एलिजिबिलिटी को सबसे पहले क्लियरली समझिए। आज एक मैं नोटिफिकेशन देखा था, जैसे आपका जो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में 15,072 बच्चे उसमें रिजेक्शन हुए हैं, जो ऑनलाइन आवेदन किए थे उसमें से 15,072 बच्चे जो है रिजेक्शन लिस्ट में है, क्योंकि उन्होंने जो बहुत सारे जो गलतियां जैसे ऑनलाइन जो अप्लाई करते समय उन्होंने किया है। तो इसलिए तमाम जो कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूँगा एलिजिबिलिटी कंडीशन को आप ध्यान से सुनिएगा, और ऑनलाइन जब आप आवेदन करते हैं उसका जो फॉर्मेट है प्रॉपर, उसमें जो मैंडेटरी है जो चीज़ें वो चीज़ आपको भरना है, जिसमें जो मैंडेटरी कॉलम है आपको बिल्कुल उसमें लैप्स नहीं होना है, ठीक है, तमाम जो जानकारी मांगा गया उसको ठीक ठाक देना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे सबसे पहला आपका पोस्ट कोड है 01/22 है, इसमें आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो ग्रेड टू है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड टू आपका, देखिए डिसिप्लिन आप अमोनिया साइट्स में है, ये जो कंपनी का मैं जैसे बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है ये एक प्रोडक्शन कंपनी है जो प्रोडक्शन आपका अमोनिया और यूरिया का प्रोडक्शन करता है,
ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले जो अमोनिया जो डिसिप्लिन के अंदर आपका जूनियर असिस्टेंट ग्रेड टू है और आपका इंजीनियर असिस्टेंट जो ग्रेड वन, ये दोनों के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है फुल टाइम में आपका बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से होना चाहिए। आपका केमिस्ट्री जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, एग्रीगेट आपका 40% से कम नहीं होना चाहिए। जो बीएससी इन केमिस्ट्री किए हैं उनका एग्रीगेट 40% होना चाहिए। अन्यथा जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं 3 years इन डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में जिन्होंने 3 years का रेगुलर डिप्लोमा किए हैं वो बच्चे भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जूनियर इंजीनियर जो असिस्टेंट ग्रेड टू है इसका वैकेंसी आपका 30 है। इसका अपर एज लिमिट जो आप जो 30 years तक आप आवेदन कर सकते हैं, बट 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया आपका 5 years का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और यहाँ पे देखिए जो आपका इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड वन है इनके लिए आपका देखिए जो वैकेंसी है 45 वैकेंसी है। आपका जो अपर एज लिमिट इसमें 35 years तक रखा गया है, 10 साल की एक्सपीरियंस जो मिनिमम इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपका बीसी कोड, ये देखिए यहाँ पे 3/22 है। इसमें देखिए यूरिया आपका डिसिप्लिन से है, ठीक है। इसमें डिसिप्लिन जो अलग अलग दिया है, इसमें जो नेक्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो बीसी कोड है 4/22, ये भी यूरिया डिसिप्लिन से है। इसमें देखिए जो 03/22 जो बीसी कोड है इसमें जूनियर इंजीनियर आपका असिस्टेंट जो ग्रेड टू है और इसमें इंजीनियर देखिए असिस्टेंट जो ग्रेड वन है इनके लिए फुल टाइम जो बीएससी केमिस्ट्री जो आपका मेन सब्जेक्ट में केमिस्ट्री से किए हैं उसमें एग्रीगेट अगर 40% है, 40% या अबव है, आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। या डिप्लोमा आप फुल टाइम डिप्लोमा किए हैं 3 years का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में किए हुए हैं तो भी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए ये जो वैकेंसी है आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड टू है उसका वैकेंसी 15 साल है, उसके लिए आप 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम जो एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है 5 साल मांगा गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो जिसमें बीसी कोड 4/02 है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जो असिस्टेंट ग्रेड वन है उसमें देखिए आपका वैकेंसी 30 है। इसमें अपर एज लिमिट 35 years तक रखा गया है, एक्सपीरियंस 10 साल का मांग की गई है। ऐसे ही नेक्स्ट जो बीसी कोड आपका 5/22 है उसमें देखिए आपका ऑफसाइट और यूटिलिटीज जो डिसिप्लिन है आपका ऑफसाइट और आप जो है यूटिलिटीज डिसिप्लिन के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें जूनियर इंजीनियर आपका असिस्टेंट जो ग्रेड टू है, अच्छा जीरो से जो जिसका बीसी कोड 06/ आपका 02 है वो भी ऑफसाइट आपका जो यूटिलिटीज के अंदर आते हैं डिसिप्लिन के अंदर। इसमें जो इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड वन है इन दोनों के लिए जो फुल टाइम बीएससी इन केमिस्ट्री एग्रीगेट 40% होना चाहिए या 3 years आप डिप्लोमा किया है केमिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किए हैं। 3 years का डिप्लोमा इसमें आप केमिकल में करने से भी होगा, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर किए हैं आप इस दोनों पोस्ट के लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। इसमें देखिए इस पोस्ट के लिए आपका जूनियर इंजीनियर जो है ना जूनियर इंजीनियर आपका असिस्टेंट जो ग्रेड टू है इसमें देखिए 15 वैकेंसी है, 30 साल जो ऑपरेज लिमिट जो है 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं, 5 साल की इसमें मिनिमम जो एक्सपीरियंस इसमें आपको मांगा गया है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे जैसे जो पोस्ट आपका यहाँ पे जो बीसी कोड 06/22 इसमें इंजीनियर असिस्टेंट जो ग्रेड वन है इसमें देखिए वैकेंसी आपका 30 है और आपको जो अपर एज लिमिट इसमें 35 years तक आप आवेदन कर सकते हैं, 10 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता इसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका बीसी कोड यहाँ पे बताना चाहूँगा बीसी कोड 07/22 है और जो बीसी कोड आपका 08/22 जैसे यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग आपका डिसिप्लिन है यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग है उसमें जूनियर इंजीनियर यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर जो आपका असिस्टेंट ग्रेड टू है और इंजीनियर असिस्टेंट आपका ग्रेड वन है इन दोनों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए या आपका बीएससी इन केमिस्ट्री 40% एग्रीगेट होना चाहिए या 3 years की आपका फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग होने से आप आवेदन कर सकते हैं। आपका जो बीसी कोड 7/02 है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जूनियर इंजीनियर आपका असिस्टेंट ग्रेड टू है इसमें वैकेंसी आपका 15 है, इसमें अपर एज लिमिट 30 years तक और एक्सपीरियंस 5 साल की मांगा गया है। ये जो पोस्ट है आपका जो है इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड वन है जिसका बीसी कोड 8/02 है ये इसके लिए 15 वैकेंसी है, इसमें 35 years तक अपर एज लिमिट रखा गया, 10 साल के एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। देखिए इसमें जो आपका बीसी कोड जैसे आपका 9/22 है जैसे उसका जो मैकेनिकल डिसिप्लिन से आते हैं जूनियर इंजीनियर आपका असिस्टेंट ग्रेड टू
ग्रेड टू है। और आपका बीसी कोड देखिए यहाँ पे 10 ऑब्लिक जैसे आपका 22 मैकेनिकल स्ट्रीम्स है, इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड वन है। ये दोनों के लिए अगर बात करें, ये दोनों के लिए देखिए एक्सपीरियंस 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। इसमें देखिए आपका 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। इसमें जो आपका जूनियर इंजीनियर आपका असिस्टेंट ग्रेड टू है उसमें 33 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स तक आप कोई भी कैंडिडेट से आवेदन कर सकते हैं और इसमें 5 साल की एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड वन, इसमें आपका देखिए 36 वैकेंसी है। 35 जो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स तक आप आवेदन कर सकते हैं। 10 साल की एक्सपीरियंस इसमें आपको मांग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 11/22 जो कि आपका इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से होते हैं, आपका इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड वन यहाँ पे 3 ईयर्स फुल टाइम्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से होने से भी आप इस पद के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। इसका देखिए अपर एज जो इसका जो वैकेंसी है ये 18 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट 35 साल तक आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और 10 साल के एक्सपीरियंस की मांग की गई है। नेक्स्ट जो यहाँ पे देख सकते हैं जो बीसी कोड 12/22 है यहाँ पे देख सकते हैं आपका इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन से होना चाहिए। इसमें देखिए जो बीसी कोड आपका 13/22 है इसमें देखिए आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड टू और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड वन, ये दोनों के लिए इन दोनों पद के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर्स फुल टाइम आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन से हो सकता है या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन से हो सकता है या आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जूनियर इंजीनियर जो असिस्टेंट ग्रेड टू है इसका वैकेंसी आपका 24 है। 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है आपका 5 साल की एक्सपीरियंसेस मांगा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी देखिए यहाँ पे इंजीनियर असिस्टेंट जो ग्रेड वन है इसमें फुल वैकेंसी आपका 24 है और इसमें 35 ईयर्स तक आप आवेदन कर सकते हैं। 10 साल की एक्सपीरियंस इसमें आपको मांग की गई है। हिंदुस्तान उर्वरक जो रसायन लिमिटेड देखिए यहाँ पे जो बीसी कोड की ये है यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो बीसी कोड आपका 14, 15 और 16 ये 3 बीसी कोड है। यहाँ पे देखिए 14, 15 और 16 के लिए ये आपका स्टोर डिसिप्लिन से मतलब आप स्टोर कीपर है स्टोर से रिलेटेड है, ठीक है। जो वैकेंसी है इसमें देखिए आपका जूनियर स्टोर असिस्टेंट जो ग्रेड टू आपका स्टोर असिस्टेंट ग्रेड वन और जो स्टोर असिस्टेंट ग्रेड टू इसमें देखिए 3 टाइप का वैकेंसी है। देखिए सबसे पहला आपका जूनियर स्टोर असिस्टेंट ग्रेड टू है, स्टोर असिस्टेंट ग्रेड वन और स्टोर असिस्टेंट ग्रेड टू है। इसमें देखिए आपको क्या मांगा गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है देखिए मैं बात करना चाहूँगा आपका बीए हो सकता है बीएससी हो सकता है या बीकॉम हो सकता है बट आपका मिनिमम जो एग्रीगेट 40% होना चाहिए। इसमें तीनों स्ट्रीम के बच्चे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए आपका जो जूनियर स्टोर जो जूनियर आपका ये जो वैकेंसी दिया हुआ है जूनियर आपका स्टोर असिस्टेंट जो दिया हुआ है इनके 3 वैकेंसी है। 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। 5 साल की एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। ये देखिए आपका स्टोर असिस्टेंट ग्रेड वन जो उसका 6 वैकेंसी है। 35 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। 10 साल की एक्सपीरियंस की मांग की गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टोर असिस्टेंट ग्रेड टू है इसका 3 वैकेंसी है। 40 साल तक इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और 15 साल की एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं जो आपका बीसी कोड 17/22 है, ठीक है, और 18/22 है। इसमें देखिए ये जो स्ट्रीम है आपका एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल जो स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। इसके लिए देखिए आपका पोस्ट कौन सी है आपका जूनियर लैब असिस्टेंट ग्रेड टू और लैब असिस्टेंट ग्रेड वन, ये दो जो पोस्ट है आपका एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी जो कंट्रोल डिसिप्लिन से होते हैं। इसमें देखिए फुल टाइम बीएससी इन केमिस्ट्री चाहिए, फुल टाइम बीएससी होना चाहिए इन केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए और एग्रीगेट जो मिनिमम 40% होना चाहिए 40% एंड अबव होना चाहिए। देखिए जूनियर जो लैब असिस्टेंट आपका ग्रेड टू के लिए 18 वैकेंसी है। 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं और 5 साल की एक्सपीरियंस इसमें मांग की गई है। लैब असिस्टेंट जो ग्रेड वन है इसमें देखिए 18 वैकेंसी है। 35 साल तक इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और 10 साल की एक्सपीरियंस इसके लिए मांग किया गया है। देखिए जो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे 19 जो बीसी कोड ये देखिए बीसी कोड आपका 19 है। 19/ यहाँ पे जैसे मैं बताना चाहूँगा 19/ यहाँ जैसे आपका 19/
19/22 जैसे 22 है, और इसमें देखिए 20/22 जो 22 है इसमें देखिए क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन, आप जो प्रोडक्ट बन जाएंगे उसका क्वालिटी को चेक करना है और इंस्पेक्शन करना है। इसमें इसी डिसिप्लिन से देखिए आपका जूनियर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रेड 2 और क्वालिटी एश्योरेंस ग्रेड 1 है, ये दो पोस्ट है। इसमें क्या चाहिए आपका क्वालिफिकेशन, आपका फुल टाइम BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स साइड से होना चाहिए, फुल टाइम आपका BSc होना चाहिए। आप फिजिक्स से हो सकता है, केमिस्ट्री से हो सकता है या मैथमेटिक्स से हो सकता है, मिनिमम 40% एग्रीगेट या मोर देन 40% होना चाहिए। जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स को उनको प्रेफरेंस भी दिए जाएंगे, वो भी आवेदन कर सकते हैं। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा किए हैं 3 ईयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा किए हैं वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बर्थ शर्त यह है कि जो उनका एग्रीगेट है 40% एबव होना चाहिए। देखिए जूनियर क्वालिटी एश्योरेंस आपका ग्रेड 2, उसमें 6 वैकेंसी, आपका 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं, 5 साल के एक्सपीरियंस की मांग की गई है। आपका क्वालिटी एश्योरेंस जो ग्रेड 1 6 वैकेंसी है, 35 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हो, 10 साल आपका एक्सपीरियंसेस की मांग किए गए हैं। इसमें नेक्स्ट आते हैं आपका डेट ऑफ रेकनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका जो एज प्रूफ और जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंसेस है वो तमाम चीज़ें इस डेट तक काउंट किए जाएंगे। आपका जितने भी एज लिमिट है 31 मार्च 2022 तक आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंसेस और जो आपका जो आपका एज और पोस्ट क्वालिफिकेशन जितने भी आप एक्सपीरियंस देंगे वो 31/3/2022 से पहले पहले का होना अनिवार्य है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निर्देशनामा है, जैसे इंस्ट्रक्शंस जो है इंपॉर्टेंट जो आपका जो निर्देश है वो इस तरह है। आपका जो क्वालिफाइंग डिप्लोमा डिग्री शुड बी फुल टाइम और रेगुलर, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो मांगा गया है बिल्कुल ये फुल टाइम वाला होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम या डिस्टेंस एजुकेशन इसमें मान्य नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ओनली ऑनलाइन आप जो कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे, किसी अदर मोड में इसको मान्य नहीं किया जाएंगे। इसमें नेक्स्ट चीज़ें जो बताना चाहूँगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इसमें जो नेचुरल पीरियड्स ऑफ एंगेजमेंट आपको इसमें जो नौकरी मिलेगा वो किस तरह से होंगे, जैसे मैं बताना चाहूँगा नेचुरल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट में आप जैसे ज्वाइन करेंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका 1 ईयर का जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ जो प्रोबेशन पीरियड उसके बाद आपको रेगुलराइज कर दिया जाएंगे, ठीक है। अगर प्रोबेशन जो पीरियड दिया गया है उसमें अगर सेटिस्फैक्ट्री जो कंप्लीशन अगर आपका प्रोबेशन पीरियड नहीं होता आपका प्रोबेशन पीरियड को जो है कंपनी एक्सटेंड कर सकता है। बाकी जो सबसे बड़ी चीज़ है इसका आपका रेमुनरेशन, जो तनख्वाह की अगर बात करें, जो वेतन की अगर बात करें, जिन जो जो कैंडिडेट्स को जो जो पोस्ट के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो जो पोस्ट के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है उनको देखिए सालाना जो सैलरी रहेगा, सालाना सैलरी की बात कर रहा हूँ, जैसे इसमें CTC पर आनम लिखा गया, CTC जो होता है कॉस्ट टू कंपनी, मतलब अगर 5 ईयर्स का जो एम्प्लॉयज है उनको कंपनी को जो पूरा साल में उनके ऊपर जो खर्चा होगा 4.1 मतलब 410,000 सैलरी मिलेगा पर आनम, आपको 400,000 की सैलरी मिलेगा जो 5 साल की एक्सपीरियंस जिन जिन पोस्ट के लिए मांगा गया है। जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस कंपनी मांगा है उनको देखिए 4,90,000 पर आनम पर साल में सालाना जो जो कंपनी उनको वेतन देगा जो खर्च करेगा उनके ऊपर 4,90,000 मतलब 5 लाख तक खर्चा करेगा। जो पोस्ट के लिए 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, उनका देखिए जो सैलरी रहेगा 5,80,000 मतलब 6 लाख के आसपास आपको जो कंपनी जो आपको पे करेगा जो वेतन पे करेगा। उसके अलावा देखिए जो अट्रैक्टिव चीज़ें रखा है आपको PF कंपनी की तरफ से होगा, जो प्रोविडेंट फंड है कंपनी जो अलग से आपको पे करेगा जो आपको प्रोविडेंट फंड में जमा होगा, और ग्रैच्युटी आपको जो मिलेगा प्रोविडेंट फंड और ग्रैच्युटी का फैसिलिटी को कंपनी की तरफ से अलग से आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ मैं बात करेंगे जैसे ये आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे इस सिलेक्शन प्रोसेस को आप ध्यान में सुनिएगा। देखिए इसका सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। जैसे आपका ऑनलाइन आवेदन खत्म हो जाएंगे सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स को, एज पर जो डाटा भरे हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय उसमें आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बच्चों को सबसे जो पहला स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होंगे जो प्योरली आपका जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है, उसके लिए आपको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। सबसे पहले आपको जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके एडमिट कार्ड जो इशू किए जाएंगे, जो कंपनी का वेबसाइट है उसी वेबसाइट में आपका एडमिट कार्ड जो इशू किए जाएंगे, और एडमिट कार्ड के अंदर आपको डेट एंड टाइम और प्लेस जो है इसमें आपको बाकायदा मेंशन
होगा, जो आपका टेस्ट प्रोबेबली कहाँ होंगे, ये तमाम चीज़ें आपको जो है मेंशन किया जाएंगे। जो टेस्ट सेंटर्स होगा क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है, लोकेटेड इन दिल्ली, दिल्ली में होगा आपका, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे दिल्ली में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस प्रोफाइल विल रेस्पेक्ट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले जैसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में जो टेस्ट में जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे, जो सिलेक्ट होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो रखेंगे वो बच्चों को, फिर उनका एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उनको देखा जाएंगे, उनका एक्सपीरियंस भी शॉर्टलिस्ट किया जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो एक्सपीरियंस प्रोफाइल, एक्सपीरियंस प्रोफाइल मतलब आपका ट्रेड टेस्ट भी लिए जाएंगे। जैसे इसमें शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका जो एक्सपीरियंस दिए हैं वो एक्सपीरियंस को भी जांच किए जाएंगे थ्रोट आपका ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के जरिए आपको एक्सपीरियंस जो है देखा जाएंगे। उसके बाद जैसे बताना चाहूँगा, आपका फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ टेंड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सब्जेक्ट टू द मीटिंग ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आम जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट। देखिए, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार किए जाएंगे ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो आपका एक्सपीरियंसेस जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन किए हैं उस पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस क्या है, जो ये तमाम चीज़ों को जो एक्सपीरियंस प्लस आपका जो सीबीटी टेस्ट का रिजल्ट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा आपका मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट उसके हिसाब से और आपका वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगे। ये जो आपका एडमिट कार्ड जो है, जैसे मैंने बताया आपका कंपनी का जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट में आपको शो करेगा। इस एडमिट कार्ड को जो है किसी भी तरह आपका बाई पोस्ट आपके पास भेजा नहीं जाएगा, उसमें आपको डाउनलोड करना होगा, जो कि प्रियर प्रियर जो है आपका एग्जामिनेशन से प्रियर आपको ये अपलोड कर दिया जाएंगे, ठीक है। तो आपको इंटीमेशन जो है आपका मोबाइल जो आपका वैलिड ईमेल आईडी या आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए आपके एसएमएस के थ्रू बता दिए जाएंगे, और आपको आपको जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा जो कंपनी का वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट एनी ऑफ द सेंटर्स इन दिल्ली। इसमें पहले प्रियर भी मैंने बता दिया हूँ, आपका जो एग्जामिनेशन जो सीबीटी टेस्ट होगा आपका दिल्ली में किसी भी सेंटर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए, तो तमाम जो आपका एग्जाम जो होगा उसका पैटर्न क्या रहेंगे, देखिए पैटर्न को आप अच्छे से समझिए। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा प्योरली आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि 100 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। आपका 2 घंटे की आपका एग्जाम होगा, ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे उसको 2 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन 1 में देखिए क्या रहेगा, आपका जो सीबीटी टेस्ट होगा उसको 2 घंटे के रहेंगे, उसको 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन में क्या रहेंगे आपका, देखिए आपका सब्जेक्ट नॉलेज, आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं मतलब जिस पोस्ट के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर आपका 40 मार्क का क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश के ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपका 10 मार्क का क्वेश्चन रहेंगे, आपका लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आपका 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के ऊपर आपका 10 मार्क का क्वेश्चंस आपका रहेंगे, जो कि 80% क्वेश्चन आपका इनमें से आएंगे, जो आपका सेक्शन 1 में जो चीज़ मैंने कवर किया जिसमें 80% वेटेज मिलेगा। देखिए ये 80 क्वेश्चन हो गए, 80 मार्क का क्वेश्चन हो गए। सेक्शन 2 में क्या आएगा, कंसेंट्रिंग ऑफ आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा। देखिए सेक्शन जो 2 रहेगा ये आपका, उसमें आपका ट्रेड टेस्ट के ऊपर जो ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, जो ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो जिसमें आपका 20% वेटेज रहेगा। आपका देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% होगा, दोनों सेक्शन का अलग अलग मार्किंग किए जाएंगे, इवैल्यूएशन किया जाएंगे, ठीक है, सेक्शन 1 को अलग से किया जाएंगे, सेक्शन 2 को किया जाएंगे, और आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है दोनों सेक्शन में 50% जो है होगा। आपका जो देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया गया, आपका मेरिट जो बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्कोर ऑब्टेंड इन द 2 सेक्शंस। आप दोनों सेक्शंस में जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो स्कोर करेंगे वो दोनों चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और आपका एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आपका मेरिट लिस्ट जो है मेधा सूची जो है तैयार किए जाएंगे। देखिए ऑल क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि उसमें हर एक में 4 आपका ऑप्शंस मिलेंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी आपका इक्वल वेटेज, देखिए हर एक जो क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन होंगे दोनों सेक्शन में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है, और आपका क्वेश्चन पेपर जो है दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश ब्रिंगुअल लैंग्वेज में होंगे, ठीक है, ताकि किसी को समझने में किसी प्रकार की
जो है गलती नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस, जो एग्जाम पैटर्न, यहाँ पे जो बच्चे जो आपका CBT में क्वालिफाई करेंगे, जिनको जो मतलब जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उस टाइम उसी दौरान, और जो आपका फिजिकल फिटनेस के समय पे आपको जो डॉक्यूमेंट मतलब प्रोड्यूस करना होगा, वो डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह रहेंगे। सबसे पहले आपका कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप अप्लाई करते समय आप रखे हैं, ये सारे जो तमाम कॉपी का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके पास होना चाहिए। जैसे आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसको आपका 10th क्लास का आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या बार सर्टिफिकेट है तो आप बार सर्टिफिकेट दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तमाम चीज़ें आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अदर क्वालिफिकेशन और पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको देना होगा। प्रूफ ऑफ नॉर्म्स जो एडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन कन्वर्ट टू CGPA या OGPA DGPA इनटू परसेंटेज, जो यूनिवर्सिटी में बच्चों को ग्रेडिंग सिस्टम से मार्क दिया गया, परसेंटेज के तौर पे नहीं दिया गया, ग्रेडिंग सिस्टम से दिया गया है, उस यूनिवर्सिटी से आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देना होगा। जो इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो उसका जो नॉर्म्स क्या है, वो नॉर्म्स का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको जो है प्रोड्यूस करना होगा। प्रूफ ऑफ आपका ID, जैसे आधार कार्ड या आपका वोटर ID, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएंगे वो आपको देना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय पे आपको प्रस्तुत करना होगा, और उसमें आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आपको जो दिए जाएंगे वो सब्जेक्ट टू आपका मेडिकल फिटनेस, जो कि कंपनी का जो नॉर्म्स है, मेडिकल रूल्स है, उसके हिसाब से आपको मेडिकल एग्जामिन कराए जाएंगे। उसमें लास्ट में जो मेडिकल फिट कैंडिडेट्स पाए जाएंगे उनको ज्वाइनिंग लेटर्स जो ऑफर अप जो ज्वाइनिंग लेटर्स जो है वहाँ पर उनको प्रदान किए जाएंगे। ये जैसे आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आपका सब्जेक्ट टू आपका मेडिकल फिटनेस, जो फिजिकल फिटनेस है, और ये देखिए ये आपका जो सब्जेक्ट टू जो आपका कंपनी रूल्स की सब जो मेडिकल फिटनेस चेकअप किए जाएंगे। और इसमें देखिए आपका वेन्यू, डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा, कौन सी डेट में होगा, कौन सी समय पे होगा, ये तमाम चीज़ें आपका जो एडमिट कार्ड पे दर्शाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, जैसे जो निर्देशनामा है जिसे मैं बताना चाहूँगा, ओनली इंडियन नेशनल इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस नोटिफिकेशन के अंदर किसी प्रकार का अगर मॉडिफिकेशन होता है, अमेंडमेंट्स अगर संशोधन या कोरिजेंडम होता है, इस वेबसाइट के माध्यम से, इसी कंपनी का जो वेबसाइट के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है जो बताना चाहूँगा, आपका कट ऑफ डेट फॉर द कैलकुलेटिंग एज, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आपका कट ऑफ डेट जो आपका क्रूशियल डेट है, 31 मार्च 2022 तक आपका तमाम जो एज कैलकुलेट किए जाएंगे, आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस को 31 मार्च 2022 तक आपको काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो यही था इस नोटिफिकेशन के अंदर जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन था, जिससे तमाम जानकारी, जो संपूर्ण जानकारी मैंने जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया। मेरा देश के तमाम जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल कैंडिडेट्स, में निवेदन फिर से करना चाहता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स था मैंने कवर किया। फिर मिलते हैं अगले किसी नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।